हेलो एवरीबॉडी गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा सबके सब फिट एंड फाइन होंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल अभियान। गाइस, आज की जो वीडियो है आप लोगों के रिक्वेस्ट पे होने वाली है। बहुत सारे कमेंट्स में देखता हूं रिगार्डिंग ओलिंप ट्रेड और बायनोमो, और मुझसे पूछा जाता है कि सर आप बायनोमो और ओलिंप ट्रेड का इतना प्रमोशन क्यों करते हो, IQ ऑप्शन का क्यों नहीं? तो भैया, उन लोगों को मैं बता देता हूं, IQ ऑप्शन से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। IQ ऑप्शन के बारे में ही आज की जो वीडियो है वो होने वाली है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ट्यूटोरियल आपको यूज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इन दी एंड मैं आपको बताने वाला हूँ टोटल रिव्यू। तो पूरी वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है, मजा आएगा वीडियो देख के। क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे अगर आप सारी वीडियो देखते हो, हर एक वीडियो देखते हो, मजा जरूर आता है आप लोगों को। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं IQ ऑप्शन की। तो भैया, IQ ऑप्शन जो है रेगुलेटेड ब्रोकर है। सबसे पहली बात आती है लीगलिटी पे, तो IQ ऑप्शन एक रेगुलेटेड ब्रोकर है, इंडिया के अंदर ही नहीं USA में भी। पैसे से रिलेटेड कोई इशू आपके पास नहीं आने वाला है, कोई इशू फेस नहीं होगा। अगर आप विड्रॉ लेते हैं, इंस्टेंट विड्रॉ यहां पर मिल जाता है, 24 से 48 आवर्स के अंदर विड्रॉ आपको मिल जाता है, डिपॉजिट भी यहां पर इंस्टेंट होता है। कुछ लोग बोलते हैं सर IQ ऑप्शन इज अ सेफ, अगर हम यहाँ पे विड्रॉ लेते हैं या फिर डिपॉजिट करते हैं तो सेफ ब्रोकर है या नहीं? उन लोगों को क्लियर आंसर बता देता हूं, 100% सेफ ब्रोकर है। बाकी ब्रोकर्स की तरह भी 100% सेफ ब्रोकर है। अब यार एक इंपॉर्टेंट बात है ना, देखो ब्रोकर्स जो है वो एक अलग चीज है, यूज करना ना करना ये सब आपके ऊपर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है वो ये कि यार यहाँ पे ब्रोकर्स बहुत लोग यूज करते हैं बाइनरी ब्रोकर्स को, और काफी जो लोग हैं वो लॉस में चले जाते हैं। तो उसके पीछे मेजर इश्यूज क्या रहते हैं, मैं आपको इतनी वीडियोस में, हर एक वीडियोस में आपको समझाता हूं, और आज भी मैं डेफिनेटली समझाऊंगा कि क्या ऐसा कारण है जिससे कि आप लॉस में चले जाते हो इतने यूज करने के बाद भी। तो यार देखो, हमेशा ना आप जो इक्विटी आप यूज करते हो, मतलब जो बैलेंस आप यूज करते हो, वो ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में आप लॉस हो जाते हो। हर किसी के साथ एक कॉमन चीज होती है यहाँ पे बाइनरी मार्केट में, कि आपने जब पैसा इन्वेस्ट यहाँ पे किया तो आने वाले कुछ टाइम में वो डबल आप कर लेते हो, यानी आप कुछ हफ्ते में उसको पैसे को ज्यादा कर लेते हो, एंड सडनली लालच के कारण वो पैसा वापस जीरो हो जाता है। और आप लोग कहते हो कमेंट्स में या फिर अदर प्लेटफॉर्म्स की, भैया ये ब्रोकर्स आपके साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं कि स्टार्टिंग में आपका पैसा बढ़ा देते हैं और उसके बाद आपको जीरो पे लेके आ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो बिलीव मी, आप मेरी एक बात मान के देखिए, और अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता जस्ट टेल मी। आपको करना क्या है, ध्यान रखिए, आपको पता है हर एक ट्रेडर सक्सेस होता है। अगर कोई इंसान है उसको ट्रेडर बोला जाता है, यानी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की गिनती में अगर गिने जाते हो, तो उसके पीछे का कारण क्या होता है ना, पेशेंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं करना आपको क्या है। हमेशा आपको 1% का टारगेट रखना है अपनी टोटल लिक्विडिटी का। सपोज कीजिए आपके पास $10 है इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपको करना क्या है, $10 का 1% का अगर आप टारगेट रखते हो पर डे का, तो नेक्स्ट डे आपकी टोटल लिक्विडिटी हो जाएगी 11%, यानी $11। अब $11 आपके पास नेक्स्ट डे होंगे, उसका 1% आपको नेक्स्ट डे टारगेट करना है। फिर आपके पास टोटल लिक्विडिटी जो होगी उसका नेक्स्ट डे 1% टारगेट करना है। सपोज करो आपके पास $10 नहीं, थोड़ा सा बड़ा बैलेंस है, तो आप सोच सकते हो, आप इमेजिन करो एक महीने बाद आपकी लिक्विडिटी टोटल क्या होगी, आपकी बेस अमाउंट क्या होगी। गाइज, मैं आपको बताना चाहूंगा शॉकिंग तरीका है, मतलब ये थोड़ा सा आपके लिए शॉकिंग होगा सुनना, लेकिन सीरियसली गाइज, अगर आप यहां से पैसा कमाना चाहते हो तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अगर आप पैसा यहां पे इन्वेस्ट करते हो, बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, बड़ी बड़ी ट्रेड्स लेते हो, अगर आप मार्टिकल को भी यूज करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर आप कर सकते हो तो। अगर आप नहीं कर सकते, यानी 3-4 स्टेप्स के बाद आपका बैलेंस वैसे ही खाली हो जाना है, तो आप मार्टिकल को भी मत यूज करो। एक छोटे से छोटे स्टेप्स पे जाओ, $10 के इन्वेस्टमेंट पे $1 की ट्रेड लो, मार्टिकल को फॉलो करो ही मत। एक दिन की $1 का प्रॉफिट निकालना मुझे नहीं लगता मुश्किल काम है। टोटल लिक्विडिटी पे 1% का प्रॉफिट लेना बहुत आसान काम होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। तुक्के में भी आप 1% का जो प्रॉफिट है वो यहां से निकाल लोगे। तो यार आपको करना यही है सिर्फ, सीरियसली गाइस, एक महीने अगर आप मेरी बात मान के देखते हो, 1% के प्रॉफिट टारगेट पे चलते हो, तो आपको यहां से प्रॉफिट लेना आ जाएगा, समझ आ जाएगा। अब बात करते हैं IQ ऑप्शन की। अगर स्पेशली मैं IQ ऑप्शन की बात करता हूं तो वो किस तरीके से वर्क करता है, तो यार IQ ऑप्शन पे भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहां से भी रजिस्टर कर सकते हो फास्ट विड्रॉल के लिए। और देयर आर सो मेनी प्लेटफॉर्म्स, जैसे बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स हैं वहां उसी की तरह IQ ऑप्शन वर्क करता है, रेगुलेटेड, 100% रेगुलेटेड है। और अब मैं आपको वीडियो के अंदर कुछ ट्यूटोरियल दिखाने वाला हूँ किस तरीके से वर्क करती है चीजें, और पूरे ट्यूटोरियल के साथ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना, मजा जरूर आएगा। रिडायरेक्ट करते हैं हम हमारी पीसी की स्क्रीन पे, एंड चीजें जो है उनको एनालाइज करते हैं किस तरीके से विड्रॉ मेथड है, डिपॉजिट मेथड है, बहुत कुछ।
सो गाइज वेलकम बैक। अभी आप हैं मेरे पीसी की स्क्रीन पे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आईक्यू ऑप्शन लॉगिन। आईक्यू ऑप्शन का लाइव अकाउंट आप देख पा रहे हैं, रियल अकाउंट जिसका बैलेंस है 145.88 डॉलर्स। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस, तो वीडियो के साथ बने रहना। तो सबसे पहले जब आप गूगल पे टाइप करते हैं आईक्यू ऑप्शन, तो कुछ इस तरीके की वेबसाइट आपको मिलेगी। फर्स्ट वेबसाइट जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे साइनअप का ऑप्शन आपको मिलने वाला है। तो साइनअप के बाद देखिए यहाँ पे आता है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ठीक है, कुछ आपके पास ऊपर जो है निफ्टी, सेंसेक्स और कुछ बड़े बड़े जो अमेजोन, एप्पल और जिस तरीके जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनके शेयर्स की डिटेल्स आप पे ऊपर चलती रहती है। अब यहाँ पे कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, $10 मिनिमम डिपॉजिट मिलता है आईक्यू ऑप्शन के साथ, जो लगभग सारे ब्रोकर्स के साथ आपको मिल जाता है। और मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है $1 की यहाँ पे आपको मिलती है, और $1 की ही बाकी सारे यहाँ पे कुछ अलग नहीं है। $10,000 का डेमो अकाउंट, ये भी यहाँ पे भी कुछ अलग आपको नहीं मिलने वाला है, लगभग सब में यही मिलता है। लेकिन आईक्यू ऑप्शन का जो कस्टमर सपोर्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा बाकी सबके मुकाबले, थोड़ा सा अच्छा और फास्ट कस्टमर सपोर्ट ये प्रोवाइड करते हैं। इनका जो इंटरफेस है वो भी ठीक ठाक ही है, अच्छा सा इंटरफेस है, कुछ ज्यादा इंडिकेटर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। यहां से आप साइनअप कर सकते हैं, साइनअप करके आप लॉग इन कर सकते हैं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। मैंने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पहले ही लॉगिन करके रखा हुआ है, तो यहाँ पे अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ सारी प्रोसेस, क्योंकि आईक्यू ऑप्शन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत सारे लोग हैं समझ नहीं पाते हैं कि क्या प्लेटफॉर्म है, और मुझसे कहते हैं सर आप सिर्फ ओलिंप और बैनमो के बारे में बताते हो, यार आईक्यू ऑप्शन के बारे में भी बताया करो। तो यार एक चीज़ जो है मेरी हमेशा से ध्यान रखना, हमेशा से ही, कि आप जितना इन्वेस्टमेंट आपका टोटल है उसका 1% पर डे का टारगेट लेके रखो, तो 1 मंथ के बाद आपके पास एटलीस्ट कुछ ऐसा पैसा होगा जो आप घर पर ले जा सकोगे। और अगर आप ज़्यादा का टारगेट लेके लगते हो, टारगेट अगर आप नहीं भी लेके रखते कि आपको लगता है कि आप पैसा इसको बढ़ा लेंगे, अकाउंट में डाल दिया, तो उस केस में आपका कुछ नहीं होना, उस केस में आप यहां से कुछ नहीं लेके जाने वाले। क्योंकि आपको बता चुका हूं, अगर आप यहां से पैसा लेके जाना चाहते हैं बाइनरी मार्केट से, तो सिर्फ एक तरीका है, तरीका सिर्फ यही है कि आप यहां पर सिर्फ 1% के साथ आओ, 1% का टारगेट रखो, तभी कुछ हो सकता है। एंड बिलीव मी, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं कि एक बार आप ये चीज़ें मेरी मान के देखिए 1% के टारगेट के साथ, एंड डेफिनेटली बहुत कुछ पॉसिबल होगा। आप खुद 1 महीने बाद मेरे को बोलेंगे कमेंट करके कि थैंक यू सो मच टू टेलिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज टू अस। ठीक है, अब इसके इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्लेटफॉर्म की। तो यार प्लेटफॉर्म काफ़ी यूज़र इंटरेक्टिव है यहाँ पे। अब आप सबसे पहले जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स का जो टाइम है, मैं 1 मिनट फ्रेम कर लेता हूँ। एंड देन चार्ट टाइप जो है आप 4 में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइन कैंडल्स, बार और हैकिनशी, तो यहाँ पर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए करेंसीज़ अगर आपको लेनी होती है तो प्लस पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको करेंसीज़ पेयर्स आपको मिल जाएंगे, एसेट्स मिल जाएंगे। डिजिटल ऑप्शन की बात करते हैं तो अब डिजिटल ऑप्शन देखिए यहाँ पे, डिजिटल ऑप्शंस की बात करते हैं तो यार आप देखिए, आप लोग मुझसे पूछेंगे बाइनरी एंड डिजिटल ऑप्शंस में फ़र्क क्या होता है, लाइक मेजर डिफरेंस क्या है बाइनरी एंड डिजिटल ऑप्शंस में, और कुछ लोग ऐसा पूछते भी हैं। तो यार उनको लिए बता देता हूँ कि बाइनरी ऑप्शंस क्या है जिसमें हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड रेशियो होता है, एंड डिजिटल ऑप्शंस की बात करते हैं तो डिजिटल ऑप्शंस में रिस्क जो होता है वो हाई होता ही है, मतलब एक तरीके से मतलब मीडियम रिस्क और मीडियम प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हैं, लेकिन रिस्क इन द सेंस कि बाइनरी ऑप्शन से थोड़ा सा मिनिमम हो जाता है, मिनिमल हो जाता है हल्का सा रिस्क। एंड अगर प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो भी कम हो जाता है प्रॉफिट भी, लेकिन ठीक ठाक ऑप्शंस हैं यहाँ से। आप अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शंस हैं। फॉरेक्स में भी ये ट्रेडिंग प्रोवाइड करता है आईक्यू ऑप्शन। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बाइनरी ब्रोकर्स, तो डेफिनेटली आंसर है उन लोगों के लिए येस, आप ऐसा कर सकते हैं। स्टॉक्स में भी देखिए, क्रिप्टो कम्युनिटीज़ और इन सब में भी आप कर सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की, तो यार देखिए इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडिकेटर्स आईक्यू ऑप्शन प्रोवाइड करता है, और ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी आईक्यू ऑप्शन की। मैंने स्टार्टेड आईक्यू ऑप्शन, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आईक्यू ऑप्शन में ट्रेड क्यों नहीं करते हो, बिकॉज यार ऐसा है कि जो मेरा लाइक चॉइस होता है मैं उसके ऊपर लेके जाता हूं। अगर आप किसी पे सेट हो तो आप उसी के साथ ही जाना पसंद ज्यादा करते हो, तो इसी वजह से यहां पे मैं आईक्यू ऑप्शन पे कम ट्रेड लेता था। बट इवन दो अभी जो मैंने टेलीग्राम पे भी बाइनमो स्टार्ट कर दिया है बाइनमो में ट्रेड लेना, आईक्यू ऑप्शन पे भी जाएंगे, वहां पे भी ट्रेड लेंगे। एक और चीज बता देता हूं यार, कि टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हुए हो ना अभी तक तो बहुत कुछ मिस करोगे, क्योंकि सारी अपडेट्स जो है वीडियो की या फिर कोई भी अपडेट्स जो लेटेस्ट अपडेट्स होती है मैं सबसे पहले टेलीग्राम पे अपडेट करता हूं। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ अभी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके टेक्निकल स्पेस सर्विस स्पेस फैमिली, और आप वहां से ज्वाइन हो सकते हो।
अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे ना बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं, तो इस तरीके से आप इंडिकेटर्स को यहाँ से यूज कर सकते हो। चैट एंड सपोर्ट का ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहीं पे मिल जाता है आपके, इनकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होने की जरूरत नहीं होती है। और अगर आपको कोई इशू आता है तो डायरेक्टली चैट सपोर्ट से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वीडियो ट्यूटोरियल्स आपको यहाँ से मिल जाते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इतना कुछ खास हेल्प नहीं करते, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉ की। तो सबसे पहले डिपॉजिट एंड विड्रॉ की बात कर लेते हैं कि डिपॉजिट एंड विड्रॉ में क्या क्या ऑप्शन आएगी, ऑप्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो डिपॉजिट्स में इंस्टेंट विड्रॉ के लिए, यानी इंस्टेंट डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए आप यूज कर सकते हो मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड आप यूज कर सकते हो। आप यूज कर सकते हो नेटलर, इसमें भी आपको इंस्टेंट डिपॉजिट मिलता है। स्क्रिल यूज कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है बिटकॉइन यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें टाइम लगता है 1 to 24 hours का। देन परफेक्ट मनी आप यूज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन बिटकॉइन मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप करो, क्योंकि ट्रांजैक्शंस कुछ हद तक लीगल नहीं है इंडिया के अंदर बिटकॉइंस के। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ऐसा कर सकते हो। मिनिमम आप यहाँ पे देखो फिलहाल $20 का डिपॉजिट, यहाँ पे $10 का भी ऑप्शन था बट अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। एंड आप $20 के साथ जा सकते हो। एंड यहाँ पे देखिए बोनस स्कीम्स थोड़ी कम मिलेंगी आपको, ये चीज़ यहाँ पे लैक की मैंने ये चीज़ देखी कि यहाँ पे कूपन्स जो हैं ओलिम्प ट्रेड या फिर मैनमो प्रोवाइड करता है उससे हल्का सा यहाँ पे मेजरली थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कूपन्स के मामले में, बट जेन्युइन है इसलिए शायद ये कूपन्स प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब यहाँ पे हम दो डील ले लेते हैं, तो यहाँ पे अमाउंट जो है मैंने सेट कर देता हूँ यहाँ पे $1 की, क्योंकि देखो मेरा टारगेट 1% का है, 145.88 का 1% होता है 1.45, तो मेरा अभी 1% का टारगेट है, इसलिए मैं सिर्फ एक ट्रेड ही लूंगा। अभी मैंने जो इंडिकेटर है जो यूज़ किया हुआ है वो इंडिकेटर आप चेक कर पा रहे हो यहाँ पे, बॉलिंजर बैंड अभी अप्लाइड है और मैं देखना चाहता हूँ कि क्या, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इंडिकेशन मिला है, देन मैं जाने वाला हूँ हायर के लिए। 1 या 2 मिनट की ट्रेड हम लेंगे, तो यहाँ पे मैंने 1 मिनट और प्लस कर दिया है। यानी यहाँ से आप टाइम जो है वो सेलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी सारे टाइमिंग के ऑप्शंस आपको यहाँ से मिल जाते हैं। तो अभी देखो ये सपोर्ट, ये जो नीचे की लाइन है इसको हिट नहीं किया है, तो इसलिए अभी हम 1 मिनट के लिए लोअर जाना ही मैं प्रेफर करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लोअर के लिए ट्रेड ले ली है, इन्वेस्टमेंट हमारा है $1 एंड लेट्स सी कि क्या होता है। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे मैं आपको डील करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम यहाँ पे डील ले सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी चॉइस से भी कोई भी करेंसी पेयर्स यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यार दोस्त, मैं अब आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग होंगे जिनको पता होगा अबाउट ट्रेडिंग क्या होता है, प्लेटफॉर्म्स कैसे यूज करते हैं, बाइनरी प्लेटफॉर्म्स, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म्स आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओलिंप के साथ काफी टाइम से जुड़े होंगे, बाइनमो के साथ काफी टाइम से जुड़े होंगे, इवन IQ के साथ भी काफी टाइम से जुड़े होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूँ, तो दोस्तों यार समझने की कोशिश करना कि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल न्यू हैं इस फील्ड में, जिनको कुछ नहीं पता फिलहाल के टाइम पे। तो यार आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो कुछ लोग हैं जिनको सब कुछ पता है अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म्स की, आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ना कोई भी नॉलेज अगर आपको मिलती है, ठीक है, तो यार ये सोच के चला करो कि आपके पास ज़ीरो नॉलेज है उस चीज़ की। तो आप को अगर आपके पास है भी ना, आपको पता कितना भी हो उस चीज़ के बारे में, तो ये सोचने के लिए ये सोचा करो कि क्या पता मुझे 1% कुछ नया सीखने को मिल जाए, सिर्फ 1%, तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है आप लोगों की। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, वो चीज़ बहुत हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखो एक डील ली है अभी, और अभी हम ये देखो सडनली जो है मार्केट जो चेंज हो गया है, तो अभी हम यहाँ पे शायद लॉस कर सकते हैं ये। तो अब मैं इन्वेस्टमेंट मेरा जो है वो $2 कर दूंगा, ठीक है, मार्टिकल में यूज़ करूँगा। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया है -$1, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मार्टिकल यूज़ कर लिया है, एंड देन यहाँ पे अब हम लेने वाले हैं सेकंड ट्रेड। एंड अब जो है देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे अभी हमारे पास टाइमिंग है 1 मिनट का सिलेक्टेड, तो मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड जो है वो प्लेस कर दी, हालांकि प्लेस हुई नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दी है, इन्वेस्टमेंट हमारा है $2, एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अगर $2 का जो इन्वेस्टमेंट है हमारा नहीं वर्कआउट करता है, देन आई विल गो फॉर $5 इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लेट्स सी कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से वर्कआउट होती हैं, बिकॉज अभी फ़िलहाल मैंने कोई मार्केट चेक नहीं किया है अबाउट कोई करेंसी न्यूज़ एनीथिंग, मैंने अभी कुछ भी चेक नहीं किया है बिफोर वॉचिंग अबाउट लाइक वीडियो बनाने से पहले मैंने ऐसा कुछ सिनेरियोज टेस्ट नहीं किए हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। तो अभी देखते हैं, हमारे पास लगभग 6 seconds हैं, 5 seconds एंड 3 seconds एंड गॉन। ओके ओके, सो रिजल्ट आ गया हमारा टोटल $2 के लॉस का। तो अभी हमारे पास टोटल लॉस हो गया है $1 एंड $2, यानी टोटल $3 का। तो अब मैं जाने वाला हूँ $5 की ट्रेड पे, ठीक है। बट यार चीज़ें वर्कआउट हो नहीं रही हैं, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ
यूएसडी जेपीवाई में, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि यूरो का मार्केट अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने चेंज कर दिया है हमारा सिनेरियो। डॉलर 5 की हम लेने वाले हैं यहाँ पे ट्रेड, एंड ठीक है, टोटल प्रॉफिट देख रहे हो आप 4.35, और अभी हमारा लॉस है टोटल $3 का, ठीक है। कैलकुलेटेड स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे। फिलहाल अभी मैं जो वीडियो है इस बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ स्टेप्स ले रहा हूँ, अदरवाइज मैं आर्टिकल यूज़ नहीं करता, ठीक है ना। लेट्स सी कि क्या हो सकता है फॉर टू मिनट्स, सो विल गो फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, कंफर्म करना पड़ेगा भैया हमें, मैंने कंफर्म कर दिया है और ऑर्डर हमारा हो गया है। प्लेस $5 की इन्वेस्टमेंट, डायरेक्शन हमारी अपवर्ड डायरेक्शन है। टाइम हमारे पास अभी है लगभग टाइम हमारे पास है और अभी फिलहाल भी देखेंगे तो हमारी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अभी ठीक ठाक दिख रहा है, बट कान से अभी हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ट्रेड ऐसा सिनेरियो है यहाँ पे, ऐसा है कि यहाँ पे आप कुछ कह नहीं सकते हो, क्योंकि कभी भी यहाँ पे कोई भी आपको देखने को मिल सकती है, कोई भी हलचल आपको देखने को मिल सकती है मार्केट के अंदर, कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए आपको प्रिपेयर रहना है। कुछ भी हो सकता है ऐसा जो आपने सोचा ना हो। आप कभी भी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करो ये सोच के कि आप यहाँ से सिर्फ प्रॉफिट लेके जाओगे, ये सोचो ही मत। हमेशा आपके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए कि भैया यहाँ से लॉस भी हो सकता है। ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रही तो चीज़ें शायद आपके हक में जाएं कभी कभार। अब देखो यहाँ पे $5 की ट्रेड जो है वो गई है लॉस में, तो अब हमारा टोटल जो प्रॉफिट है, हमारा टोटल मतलब सॉरी टोटल हमारा जो लॉस है वो हो गया है 5 + 2 + 1, यानी ऑलमोस्ट $8 का। अब जो मेरी ट्रेड होने वाली है वो होगी $11 की, ठीक है। अब हमारी जो है वो ट्रेड होगी $11 की, एंड अब हम जाएंगे डायरेक्शन, जस्ट लेट मी थिंक, मैं अभी मार्केट चेक नहीं किया है मैंने, और अबाउट स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं तो कोई स्ट्रेटजी वर्क नहीं कर रही है फिलहाल, तो अब सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हिसाब से ट्रेड ले रहा हूँ। कई बार वर्क कर जाती हैं ऐसी चीज़ें, कई बार नहीं वर्क करती, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले ली है। टाइमिंग हमारी है लगभग एक मिनट, और इन्वेस्टमेंट हमारी है $11 की। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा है लगभग $9 का, क्योंकि हमारा अभी तक लॉस हो चुका है $8 का, 5 + 2 + 1। तो अगर हम ये वाली ट्रेड विन कर जाते हैं तो हमारा ऑल ओवर जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। अगर हम ये लॉस कर जाते हैं तो हमारा जो टोटल लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 11 + 5 + 3 + 11 + 5 + 2 + 1। ओके, ये हमारा टोटल लॉस हो जाएगा, बट नो वरीज, उसको भी आराम से आप कवर कर सकते हो। लेकिन यार मैं आपको हमेशा से कहता हुआ आया हूँ और कहता भी रहूँगा हमेशा ही, कि आप कभी भी मार्टिकल पे तब तक मत जाओ जब तक आपके पास एक बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, क्योंकि मार्टिकल ऐसा प्रिंसिपल है जहाँ पे आपके पास एक बड़ा प्रिंसिपल, बड़ा अमाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास बड़ा अमाउंट नहीं है तो अगर आप फिर भी मार्टिकल को यूज़ कर रहे हो तो आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखिए मेरे पास बहुत छोटा अमाउंट था, 145 something dollars का, एंड इवन तो मैं मार्टिकल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, दैट्स वाई, अदरवाइज मैं कभी करता नहीं मार्टिकल यूज़। तो अब हम ये प्रॉफिट, ये जो लास्ट ट्रेड है हम विन कर गए हैं, हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया है 9.58। तो 9.58 के अकॉर्डिंगली जब मैंने स्टार्ट किया था ये ट्रेड, जब मैंने बैलेंस स्टार्ट किया था तो हमारा जो टोटल था 145 something, $1 का मुझे प्रॉफिट हो गया आज के दिन पे, तो मैं स्टॉप कर दूंगा आज के दिन, मैं ट्रेड लूंगा ही नहीं। अब मैं ट्रेड लेने वाला हूं। अभी मेरा जो टोटल प्रॉफिट है वो $1.58 का है। अब जो मैं ट्रेड लूंगा वो लूंगा नेक्स्ट डे, और मेरा सेम टारगेट रहेगा। और बिलीव मी, 1% के टारगेट से आप एक महीने ट्रेड लेके देखोगे तो आपका टोटल बेस अमाउंट इतना हो जाएगा, उसके बाद आप उसको नेक्स्ट मंथ आप यूज़ करोगे 1% के प्रॉफिट टारगेट के साथ, यू कांट इमेजिन, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। बाइनरी मार्केट से अभी तक जो लॉस किया है ना आपने, धीरे धीरे रिकवर होगा यार, एक दिन में रिकवर करने की सोच मत रखो, पॉसिबल हर एक चीज़ है।
आप यहाँ पे लॉस भी करोगे, विन करोगे तो लॉस भी करोगे, प्रॉफिट यहाँ पे जितना प्रॉफिट के चांसेस हैं उतने ही चांसेस लॉस के हैं, बट डिपेंड करता है कि आप अपने पैसे को संभाल के किस तरीके से रख सकते हो। वही चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, वही डिपेंड करती है। और उम्मीद करूँगा कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी यार, थोड़ी लंबी ज़रूर चली गई वीडियो, अगर आप अभी तक देख रहे हो तो #technicalAvi वी लव यू यार, वी सपोर्ट यू। मुझे पता लगे कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो भाई को, कितना प्यार करते हो, और आपने वीडियो अभी तक देखी या नहीं देखी ये चीज़ भी समझ आएगी। तो ये चीज जरूर यूज करना, #technicalAvi एकदम साथ साथ लिखना यार, अलग अलग नहीं। कुछ लोग #technicalSpaceAvi लिख देते हैं, नहीं, #technicalAvi, एंड देन आप अपना प्यार से कोई अच्छा सा कमेंट कर दो यार, मजा आ जाएगा वीडियो देखे कि ऐसा लगेगा कि यार मैंने जो वीडियो बनाई है लोग यहां तक भी पसंद कर रहे हैं। तो गाइज मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना बता देता हूँ कि यहाँ पे डिपॉजिट की मेथड की बात की थी, विड्रॉ के मेथड भी आपको सेम मिल जाते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ जल्दी ही हो जाता है यहाँ पे अगर किसी को डाउट होता है। और एक और चीज़, अगर आप स्ट्रैटेजीज चाहते हैं आईक्यू ऑप्शन से रिगार्डिंग, आप चाहते हैं कि मुझे कोई फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी दी है, तो भैया फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं होती है, स्ट्रैटेजीज आपको मिलेंगी लेकिन फुल प्रूफ कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ ऐसे तरीके का मिले जिससे आप पैसा अच्छा सा कमा सकें, कुछ देखिए मैं बताता रहूँगा आपको धीरे धीरे, बट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, आप ज़रूर बताइए कि क्या रिगार्डिंग आईक्यू ऑप्शन आपको जानना है या कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आईक्यू ऑप्शन से विड्रॉ से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, डिपॉजिट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, क्या मैटर करेगा आप लोगों के लिए, क्या आप जानना चाहते हो, बिकॉज आपको पता है हमारा चैनल चलता ही आप लोगों की कमेंट से है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, प्यार आपका बना रहना चाहिए। थैंक यू सो मच यार गाइज, बहुत 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 शुक्रिया वीडियो को अभी तक देखने के लिए। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।